बसमान रह स्टूडेंट्स असल ऑन बिहाफ़ वर्चुअल यूनिवर्सिटी आई वेलकम टू लेक्चर नंबर थर्टी ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। जी स्टूडेंट्स इंटरनेट प्रोटोकॉल टीसीपीआईपी, डिस्कशन हमारी जारी है आज के लेक्चर में हम लोगों ने जो लास्ट चैप्टर यानी जो आई डेटाग्राम्स का चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया था उसको हम लोग वाइंड अप करेंगे और उसके बाद हम इस आईपी प्रोटोकॉल के सीक्वेंस में इस डिस्कशन में जो लास्ट चैप्टर हमारे पास है उसको स्टार्ट करेंगे इट्स अ वेरी स्मॉल चैप्टर द स्मॉलेस्ट चैप्टर दैट वी हैव गॉन थ्रू और कोशिश करेंगे कि आज के लेक्चर में हम इस आईपी uh, प्रोटोकॉल uh, की जो डिस्कशन है इस टॉपिक को वाइंड अप कर दें स्टूडेंट्स इससे पहले कि आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करें वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द रिव्यू लास्ट लेक्चर कुछ टॉपिक्स की जानब देखेंगे जो कि हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने अपनी डिस्कशन को स्टार्ट किया था विद टॉकिंग अबाउट द आई पी डाटाग्राम्स एंड हाउ दिज डेटाग्राम्स आर एक्चुअली फॉरवर्डेड इन साइड आर इंटरनेट स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि हमारी बेसिक सर्विस दैट इज एक्चुअली प्रोवाइडेड बाय द डिजाइनर्स इन दिस इंटरनेट दिस इज द कनेक्शन लेस सर्विस

हमारे पास आ सकती हैं जब हम एक वर्चुअल इंटरनेट के ऊपर अपने पैकेट्स को डिलीवर करते हैं फ्रॉम योर सोर्स टू द डेस्टिनेशन हार्डवेयर टेक्नोलॉजी इट कैन बी डिफरेंट सो योर एड्रेसिंग स्कीम योर फ्रेम फॉर्मेट योर पैकेट फॉर्मेट दैट माइट नॉट मैच विद द फ्रेम फॉर्मेट्स ऑफ द अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी उसके बाद कुछ साइज की हम लोगों ने बात की थी देर कैन बी अ लिमिटेशन ऑन द साइज टू And keeping in view all these limitations, students, our designers, they actually created a specific type of packet that they called as the virtual universal packet. Virtual implies that this packet is actually a product of the IP software, it is a virtual in nature. The software creates it, the software handles it. Universal, Samari our because this is an abstraction that is given by IP software, each of the hosts and each of the computers that are present inside that internet, they actually contain some specific software that can actually handle this type of virtual packet. Now, students, we talked about TCP/IP protocol, and I told you that this packet, our internet packet in the case of tcp ip protocol, this internet packet is known as ip datagram. Kuch format ko aap, humne dekha ip datagram, ke. Humne dekha ke iska format jo, hai, that is exactly similar to the format of a simple hardware frame that we have already gone through. hardware area and then the data area, which amount of uh, you know, data in that ip datagram, wo bhi dekha, humne? that depends upon the specific purpose that you are using it for. फिर साइज को थोड़ा सा स्टडी किया और आपने देखा कि करंट वर्जन जो हमारे पास आईपी का है दैट इज आईपी वर्जन फोर दैट स्पेसिफाइज अ साइज ऑफ़ वन ऑक्टेक्ट टू अप्रोक्सीमेटली 64 फोर के ऑक्टेक्ट इंक्लूडिंग द हेडर एंड द डेटा एरिया उसके बाद स्टूडेंट्स कुछ बात की थी हमने कि किस तरह से इस आईपी डेटाग्राम को हम लोग फॉरवर्ड करेंगे फ्रॉम वन सोर्स टू द डेस्टिनेशन फ्रॉम वन होस्ट टू द अदर इन साइड एंड इंटरनेट एक एग्जाम्पल हम लोगों ने देखी थी और इस एग्जाम्पल में मैंने आपको यह बताया था कि किस तरह से हम लोग यूजिंग द राउटिंग टेबल इन साइड द राउटर्स वी एक्चुअली फॉरवर्ड दिज आई पी डाटाग्राम फ्रॉम अ सोर्स टू अ डेस्टिनेशन फिर कुछ हम लोगों ने डिटेल्स में, uh, में इसको डिटेल में इसको स्टडी किया ऑफ द सेम राउटिंग टेबल एंड यू केम टू नो दैट द राउटिंग टेबल इज नॉट एज सिंपल एज जस्ट अ डेस्टिनेशन एड्रेस एंड अ नेक्स्ट हॉप हमारे पास नेटवर्क प्रीफिक्स भी मौजूद होता है देन वी आल्सो हैव एन एड्रेस मास्क इन ईच एंट्री प्लस द नेक्स्ट हॉप दैट कॉरस्पॉन्ड्स टू दैट स्पेसिफिक एंट्री एड्रेस मास्क को यूज करते हुए वी परफॉर्म अ बुलियन एंड बिटवीन द एड्रेस मास्क एंड डेस्टिनेशन आईपीएड्रेस दिस गिव अटवर्क प्रिफिक्स उसको हम कंपेयर करते हैं विद ऑल द डेस्टिनेशन नेटवर्क प्रिफिक्स जो कि हमारे राउटिंग टेबल में मौजूद हैं और जहां पर वो मैच हो जाए उसके कॉरस्पोंडिंग नेक्स्ट हॉप पे हम उसको आईपी डेटाग्राम को फॉरवर्ड कर देते हैं स्टूडेंट्स ये हमारी डिस्कशन थी अबाउट द आईपी डेटाग्राम एंड आईपी डेटाग्राम डाटाग्राम फॉरवर्डिंग दैट वी डिड इन द लास्ट लेक्चर कुछ लास्ट में कुछ एक दो छोटे हमने टॉपिक्स पढ़े थे लाइक बेस्ट एफर्ट डिलीवरी एंड सो ऑन सो यू कैन एक्चुअली गो थ्रू दैम फ्रॉम यूर टेक्सट बुक अब स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में विल बेसिकली कंक्लूड दिस दिस स्पेसिफिक चैप्टर एक छोटा सा टॉपिक आईपी हेडर फॉर्मेट ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में छोड़ दिया था और आज के लेक्चर में इसको हम लोग वाइंड अप करेंगे एंड मूव ऑन टू दिस्कशन को स्टार्ट करेंगे विद टॉकिंग अबाउट द आई पी डेटाग्राम स्टूडेंट्स हेडर जो है हमारा आईपी वर्जन फोर का हेडर है दट इज अ करंट वर्जन ऑफ आईपी दी आर यूजिंग तो स्लाइड की जानव चलेंगे और देखेंगे कि इस हेडर के अंदर कौन कौन सी फील्ड्स हमारे पास मौजूद होती है लेट्स गो ऑन टू द स्लाइड स्टूडेंट्स वर्जन जो हमारे पास आईपी का है आईपी डेटाग्राम यू कैन सी ऑन द स्लाइड स्टूडेंट्स इस फिगर में आप ये देखें कि यू हैवीच लाइन इन दिसर दैट कंटेन थर्टी टू बेट्स स्टूडेंट्स You have source IP address that you can see. You fourth or fifth line, there IP addresses hain. that is the source IP address and the destination IP address. Uske baas, students ye dekhen, you also have a type field out here, and this type field specifies the type of the data that you are carrying in that specific IP datagram. Uh, students, her uh, IP datagram. इस हेडर के अंदर जो हमारी फील्ड है दैट हैज अ फिक्स्ड साइज फर्स्ट फील्ड अगर आप देखें प्रोटोकॉल वर्जन नंबर ऑफ योर आईपी डेटाग्राम और इस वक्त हमारा आईपी का करंट वर्जन जैसे मैंने आपको पहले भी बताया दैट इज फोर उसके बाद स्टूडेंट्स यू हैव दर लेंथ आपके पास फोर बेट Value that specifies the header length. That means it will tell you the 32 bit quantities that you are going to have inside your header. Phir students, you have a service type field contained in here, or a service type field SE value that a sender will provide, and that will tell you whether the sender wants this IP datagram to actually travel through a route.

या वो राउट जिसपे हमारी थ्रूपुट सबसे ज्यादा है उसके बाद स्टूडेंट्स एक टोटल लेंथ की फील्ड है 16 बिट फील्ड तो ये 16 बिट इंटेजर जो है ये हमारा स्पेसिफाई करेगा कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑक्टेट्स इन द डेटाग्राम। कितनी बाइट्स टोटल बाइट्स मौजूद हैं इस डेटाग्राम में एंड दैट विल इंक्लूड देडर एंड द डेटा उसके बाद स्टूडेंट्स आइडेंटिफिकेशन फ्लैग्स फ्रेगमेंट ऑफ सेट ये तीन फील्ड आपको नजर आ रही है इस वक्त हम इन तीन फील्ड को डिस्कस नहीं करेंगे इन द नेक्स्ट चैप्टर जब हम फ्रेगमेंटेशन इनकेपलेशन और रीअसेंबली के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे तो आई एल एक्चुअली गो बैक और मैं आपको यह बताऊंगा कि यह तीनों फील्ड जो है ये किस काम आती है उसके बाद स्टूडेंट आपके पास थर्ड लाइन में गौर करें यू हैव अट बिट वेल्यू दैट गिव यू द टाइम टू लिव या फिर टीटीएल स्टूडेंट इस टीटीएल से आप, आ, को याद आ गया होगा कि इस टी -टी को हमने यूज किया था जब हमने पहले कुछ एक दो लेक्चर्स में पिंग के कॉन्सेप्ट को पढ़ा था और आपने ये देखा था कि पिंग के, के टीटीएल भी थी और मैंने आपको कहा था कि मैं आपको और एक्सप्लेन करूंगा इस वैल्यू को वेन यू विल गो टू द नेक्स्ट लेक्चर स्टूडेंट्स ये जो टाइम टू लिव फील्ड है दट इज बेसिकली यूज टू प्रिवेंट अ डेटाग्राम फ्रॉम ट्रेवलिंग

And an error message is sent back to the source. Students, this is the use of the TTL field, your time to live field. Ushkeba students, you also have a header checksum, 16-bit integer that gives you the header checksum. Students use a header checksum is That field actually ensures that all bits of header they are they do not contain an error, means they are not changed when they were traveling from one source to the destination. Uskeva students, uh, you have the source ip address and you also have the destination ip address source as usual, it will contain the internet address of the sender. destination ip address, it will contain the internet or the ip address of the intended recipient or destination. oskiva students, opco ip options key field, you have another ryo this IP option field, it gives you a set of options, or, these options, these options actually, um, you know, if you want to use them, you can go ahead and use them, and if you don't need them, these can be excluded. Now, in this case, you see, if your uh, IP address, if your IP datagram, it does not carry the option fields, in this case, your IP header, that will finish after the, डेस्टिनेशन आई पी एड्रेस अगर आप आई पी ऑप्शन यूज कर रहे हो तो यू कैन हैव यू नो अक्स साइज ऑफ दैट आई पी ऑप्शन दैट माइ नॉट बी इक्वल टू द फुल कम्पलीट थर्टी टू बेट्स तो इस केस में आप क्या करेंगे यू कैन यूज दिस पैडिंग दैट विल कंसिस्ट ऑफ ऑल जीरोजस्ट टू मेक द हेडर अ मल्टीपल ऑफ थर्टी टू बेट्स आप बाकी सारे आई पी ऑप्शन की फील्ड को अपेंड कर देंगे बाई यूजिंग जीरोज उसके बाद स्टूडेंट अब ये देखें कि देन यू कैन हैव अगिनिंग ऑफ द डाटा फील्ड इन यूर आई पी डेटाग्राम तो ये हमारा स्ट्रक्चर uh, था ऑफ द आई पी डाटाग्राम हेड फॉर्मैट और दिस इज हाउ यू इंटरप्राइट डिफरेंट फील्ड तीन फील्ड हमने यहां पर छोड़ दी है आइडेंटिफिकेशन फ्लैग्स एंड फ्रेगमेंट ऑफ सेट एंड वी विल एक्चुअली टॉक अबाउट दि स्पेसिफिक फील्ड वेन वी एक्चुअली गेट टू द नेक्स्ट चैप्टर टूडे स्टूडेंट्स दिस इज द फॉर्मेट ऑफ एन आई पी डेटाग्राम डिफरेंट फील्ड आपने देखी और थोड़ा सा मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि हर फील्ड जो है हमारे इस हेडर में इस डेटाग्राम के हेडर में वो क्या रोल प्ले कर रही है इम्पॉर्टेंट फॉर यू गाइज टू एक्चुअली लर्न द फंक्शन ऑफ ईच ऑफ दीज फील्ड इन द आई पी हेडर दिस विल हेल्प यू अलॉट इन लेटेस्ट स्टेजेस ऑफ दिस कोर्स आप स्टूडेंट्स कुछ डिस्कशन uh, करेंगे अबाउट आर नेक्स्ट चैप्टर जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि ये चैप्टर जिसको हम स्टडी करने जा रहे हैं दिस विल एक्चुअली वाइंड अप ऑफ़ द आईपी प्रोटोकॉल बुक टॉक अबाउटी फ्रेगमेंटेशन इनकेशन एंड रीअली फर्स्ट ऑफ ऑल टॉक अबाउट दिस डेटाग्राम ट्रांसमिशन एंड द रिलेशनशिप ऑफ द डाटाग्राम विद्रेम्स मैं आपको पहले भी बता चुका हूं लास्ट लेक्चर में हमने इसके बारे में काफी बात की Datagram they have nothing to do with the frame formats of the underlying physical network Java an IP datagram in other words when you actually send an internet packet the underlying technology it just knows about its own specific frame format students this underlying technology it does not know anything about the IP datagram and the structure of this IP datagram. इसको सिर्फ यह पता है कि अगर मेरे फ्रेम फॉर्मेट से एडेयर करती हुई कोई स्पेसिफिक फ्रेम या कोई स्पेसिफिक पैकेट मेरे पास आए तो इट हैज टू एक्चुअली गिव इट एक्सेस अदरवाइज इट विल डिस्कार्ड इट अब स्टूडेंट्स दिस एक्चुअली इज इज अ प्रॉब्लम वेन यूर एक्चुअली डीलिंग विदर्चुअल पैकेट्स और यूर डीलिंग विद आई पी डेटाग्राम्स एंड यू आर इन दिनैरियो ऑफ एन इंटरनेट यू वॉन्ट this ip datagram to actually traverse through your hardware area it, you want it to traverse through your underlying technology but because the frame format of that underlying technology that may differ it will only adhere to a specific frame format and a specific addressing scheme your ip datagrams it may find the difficulty to traverse through that specific physical network students this problem ki remedy kya hai. Internet is a basic abstraction of different physical networks combined together. And then this problem actually you know becomes uh, terrible when you are working with an internet that contains multiple physical networks, each having a different frame format, each having a different hardware technology. Students, the solution to this problem is encapsulation.

हमने भेजना है तो व्हाट वी डू इज वी इनकैप्सुलेट दैट स्पेसिफिक आईपी डेटाग्राम इनटू द डेटा एरिया ऑफ दैट फ्रेम हम क्या करेंगे कि हम उस फ्रेम के डेटा एरिया के अंदर अपना आईपी डेटाग्राम आईपी डेटाग्राम इंक्लूडिंग द हेडर एंड द डेटा एरिया वी विल इनकैप्सुलेट दैट इनटू द डाटा एरिया ऑफ द फ्रेम स्टूडेंट्स फ्रेम जो है दैट विल नथिंग

वो फ्रेम टाइप फील्ड जो है वो सेट होगी टू अ स्पेसिफिक वैल्यू दैट विल एक्चुअली रिप्रेजेंट आईपी या फिर इंटरनेट प्रोटोकॉल अदर देन दैट दिस इज एक्जैक्टली गोइंग टू बी सिमिलर एज इज द केस विद एनी अदर हार्डवेयर फ्रेम स्टूडेंट्स स्लाइड की जाने चलेंगे एंड विल लुक इनटू दिस कॉन्सेप्ट ऑफ इनकेशन एंड हाउ इट इज डन बाई यूजिंग द आई डेटाग्राम्स टू इनकैप्सुलेट टू बी इनकैप्सुलेटेड इन द हार्डवेयर फ्रेम एरिया स्टूडेंट्स इस फिगर में देखिएगा एज यू कैन सी कि आपका जो आईपी um, डेटाग्राम है दैट इज कंप्लीटली इनकैप्सुलेटेड इनसाइड द डेटा एरिया ऑफ द फ्रेम हेडर द हार्डवेयर फ्रेम हेडर अब स्टूडेंट्स ये देखें कि डेटाग्राम जिसको हमने इनकैप्सुलेट किया है दैट कंटेन एन आईपी हेडर एज वेल एज द आई डेटा एरिया यानी आपने पूरा डेटाग्राम जो है उसको उठाकर आपने फोल्ड कर दिया उसको मोल्ड करके यानी कैप्सिलेट कर दिया है आपने उसे फ्रेम के डेटा एरिया के अंदर अब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि फ्रेम का जो हेडर है दिस हेडर विल बी सिमिलर टू एनी हेडर ऑफ एनी अदर हार्डवेयर फ्रेम ऑन दैट टेक्नोलॉजी द ओनली डिफरेंस द फ्रेम टाइप फील्ड विल टेल वेदर द फ्रेम कंटेंट एंड आई पी डेटाग्रान और एनीथिंग एल्स अब स्टूडेंट्स हाउ विल द रिसीवर नो वेदर द डाटा एरिया इन द इनकमिंग फ्रेम एक्चुअली कंटेन एन आई पी डेटाग्राम और समथिंग एल्स तो स्टूडेंट्स ये आई पी जो आपका डेटाग्राम एरिया है जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इट विल कंटेन अ स्पेसिफिक टाइप फील्ड दैट विल बी रिजर्व फॉर द आई पी जब फ्रेम पहुंचेगा टू द एंटेंडेड रेसिपियंट द वैल्यू इन दिस टाइप फील्ड जो है दैट विल टेल द रिसीवर वेदर द डाटा एरिया कंटेन एन आई पी डेटाग्राम और एनीथिंग एल्स स्टूडेंट्स हर फ्रेम में हम लोगों ने हार्डवेयर फ्रेम को डिस्कस करते हुए देखा था कि एवरी फ्रेम शुड एक्चुअली कंटेन अ डेस्टिनेशन एड्रेस ये जो डेस्टिनेशन एड्रेस जो फ्रेम हेडर के अंदर होगा दैट विल ऑफकोर्स बी आर हार्डवेयर एड्रेस लेकिन आईपी हेडर का जो डेस्टिनेशन एड्रेस है दैट इज एन आईपी एड्रेस स्टूडेंट्स इस केस में इन एडिशन टू एक्चुअली प्लेसिंग द आईपी एड्रेस इन द डेटाग्राम हैडर we also need to place the corresponding hardware address inside the frame header. the students is appropriate hardware address ko compute kernel ke software hoga, sending machine ka, sending computer ka, okay, it will use the concept of arp address resolution protocol. it will use that to actually bind the corresponding ip address into the hardware address or pair this hardware address ko hum use karenge as the destination address inside the frame header so students this is how you can actually encapsulate your ip datagram inside your frame header frame ke andar ka hardware address jo hai wohi ip datagram ke header ke you are going to have your ip address and ip datagram containing the header as well as the data that will be encapsulated inside डेटा एरिया ऑफ द हार्डवेयर फ्रेम अब स्टूडेंट्स ये जो हमारा हार्डवेयर इनकेप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा आईपी डाटाग्राम को इनकेप्सुलेट किया हमने फ्रेम हेड के अंदर ये हार्डवेयर फ्रेम जो है इनकेप्सुलेटेड हार्डवेयर फ्रेम हाउ विल इट एक्चुअली ट्रेवल एक्रॉस एन इंटरनेट स्टूडेंट्स इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक बात आपको याद रखना बहुत जरूरी है कि हमारी जो इनकैप्सुलेशन जो है दैट इज एक्चुअली डन वंस फॉर वन ट्रांसमिशन यानी इनकैप्सुलेशन इज परफॉर्म्ड फॉर वन ट्रांसमिशन एट अ टाइम हर सेंडिंग मशीन जो है ये इनकैप्सुलेशन करेगी और उसके बाद वंस इट इज रिसीव्ड बाय द रिसीविंग एंड नेक्स्ट हॉप जो आपका होगा दैट विल डिस्कार्ड दैट फ्रेम दैट विल टेक आउट द आई डेटाग्राम एंड देन फ इट एक्चुअली नीड्स टू बी सेंड अगेन टू एन अदर नेटवर्क दैट हैज डिफरेंट फ्रेम फॉर्मैट और इवन इफ इट हैज सेम फ्रेम फॉर्मैट एज द प्रीवियस वन तो यह इनकेप्सुलेशन दोबारा से होगी उस नेक्स्ट हॉप पे और उसके बाद इसको अगले नेटवर्क की जानेब भेज दिया जाएगा स्टूडेंट्स एक बार फिर स्लाइड की जानेब चलेंगे एंड विल सी हाउ दिस इनकेप्सुलेटेड हार्डवेयर फ्रेम ट्रिवर्सिस इंटरनेट स्टूडेंट्स जैसा कि आप स्लाइड में देख सकते हैं दिस एक्चुअली इज शोइंग द इनकेपसुलेटेड हार्डवेयर फ्रेम ट्रिवर्स अक्रॉस मल्टीपल हॉप्स इन योर नेटवर्क तो स्टूडेंट्स ये देखिएगा कि सोर्स होस्ट जो आपका है सेंडिंग मशीन जो आपकी है दैट सेंडिंग मशीन कंटेन द रॉ डेटाग्राम यानी आपके पास डेटाग्राम जो यहां पे मौजूद है दैट कंटेन द आई एड्रेस द आई पी डेटाग्राम हैडरफील्ड एज वेल एज द आई पी एरिया स्टूडेंट्स जब ये आईपी डेटाग्राम जो है जब ये फॉरवर्ड होगा टू द नेक्स्ट नेटवर्क दैट इज नेटवर्क वन तो इस केस में आप ये देखें बिकॉज दैट नेटवर्क वन विल कंटेन स्पेसिफिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी तो क्या होगा उसको इनकेप्सुलेट कर दिया जाएगा एक हार्डवेयर फ्रेम के अंदर और स्टूडेंट्स ये जो हार्डवेयर फ्रेम होगा इस केस में आप देखें कि हेडर वन जो है दैट विल एक्चुअली बी द फ्रेम हेडर द आई

आगे कि ये डेटाग्राम जो है इसको फिर नेटवर्क टू पे हम लोगों ने फॉरवर्ड करना है और नेटवर्क टू के ऊपर आप ये देखें कि वंस एट गोज टू नेटवर्क टू देन कैप्सुलेशन इज डन वंस अगेन एंड इन दिस केस यू हैव हेडर टू और आप ये देखेंगे डिफरेंस इन द लेंथ ऑफ दर फील्ड द हेडर वन इट कैन बी डिफरेंट देन देडर टू एंड देन देडर थ्री इट कैन बी डिफरेंट फ्रॉम बोथ द प्रीवियसर स्टूडेंट्स एक दफा फिर नेटवर्क टू से forward hua to router 2 it contains the same format the ip datagram without any header without any frame header Uske baad it, it's again needed to actually traverse an, another network that is network 3 Ek defa phir, header 3 attached to a datagram ke saad, and ultimately it is transmitted to the destination host the destination computer that actually discards the hardware frame header and it the left out is your actual IP datagram that was sent from the source host. Students, uh, this is how your uh, IP datagram is encapsulated and this is how it is transmitted across an internet. Students, a important uh, aspect in this figure. Mein note kar lehen, ke frame headers, as frame headers just they are not accumulated during a trip in this case. Uh, आपका डेटाग्राम जो है इससे पहले ट्रांसमिट किया जाए अक्रॉस एनी नेटवर्क डेटाग्राम जो है नेक्स्ट हॉप पे पहुंचेगा तो डेटाग्राम इज अगेन रिमूव्ड फ्रॉम द इनकमिंग फ्रेम एंड बिफोर इट इज बींग एक्चुअली राउटेड एंड इनकेप्सुलेटेड इन द आउट गोइंग फ्रेम स्टूडेंट्स

Students, Ethernet frame, framework discussed. So tha. at that time I told you that every frame format, every hardware technology, it specifies certain limit, a certain size of its frame. The maximum amount of data that can be sent inside that frame that specifies a MTU or a maximum transmission unit. So students agar up IP datagram ko encapsulate. Uh, करना चाहें इनसाइड अ हार्डवेयर फ्रेम टू इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्चुअली स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन दिस एम द मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट एंड द डेटाग्राम साइज स्टूडेंट्स जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हर हार्डवेयर टेक्नोलॉजी जो है दैट स्पेसिफाइज अ मैक्सिमम साइज ऑफ इट्स फ्रेम अगर हम इस मैक्सिमम साइज से ऊपर जाएंगे तो दैट स्पेसिफिक फ्रेम Uh, technology that specific hardware technology it is not going to accept that frame and it will discard it. The students bahut hai when you are actually doing this process of encapsulation, you are actually placing an IP datagram inside a frame hardware frame to जो IP datagram hai that is equal to or less than the maximum transmission unit that is specified by that hardware technology. Of students, this is not always the case. Her bar when you are actually dealing with this process of encapsulation, you are not going to find the hardware technologies, you're not going to find the frames that can actually work with your IP datagrams. In many cases, your IP datagram that is going to have a a larger size as compared to the maximum transmission unit of the network that you are going to traverse. Students, slide kya chalte, Aur is, uh, problem ke solution ko study karne se pehle, ek scenario pe gaur kar what actually happens when you actually find different maximum transmission units during your traversing through the internet. Students, स्लाइड में देखिएगा जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपके इंटरनेट में यू माइट हैव नेटवर्क्स विद डिफरेंट मैक्सिमम ट्रांसमिशन स्टूडेंट्स, स्टूडेंट यूनिट्स ऑफ़ कोर्स, एज एव ऑलरी टोल्ड यू दैट दे स्पेसिफाई डिफरेंट साइज ऑफ द एम और ये प्रॉब्लम स्टूडेंट्स और भी स्वेयर हो जाती है वेन यू आर एक्चुअली वर्किंग विद एन इंटरनेट दैट कंटेन हैट्रोजीनियस नेटवर्क इन अदर वर्ड्स इट कंटेन different networks that actually specify different types of frames that actually specify different frame formats students figure me. dekhiyega ki aapke is case two networks hain, net 1 or net 2 no cases mein aapke jo mtu ka size hai, that is different in the first network you have an mtu size of 1500 and in the second network you have an mtu size of 1000 octets or 1000 नेटवर्क्स आर कनेक्टेड बाय अ राउटर आर आर होस्ट वन या एच वन जो है एच टू इज कनेक्टेड टू द नेटवर्क टू अब स्टूडेंट्स इस फिगर में आपका जो होस्ट टू है दैट एक्चुअली अटैचेस टू अ नेटवर्क दैट हैज एम टी साइज ऑफ थाउजेंड ऑक्टेक्ट इसलिए हर डेटाग्राम जो कि एच ट्रांसमिट करेगा दैट मस्ट बी 1000 ऑक्टेट्स और लेस अब स्टूडेंट्स ये देखें कि H1 जो है वो एम टीयू के साथ कनेक्टेड है इस केस में हमारा MTU जो है, एम टीयूटी 1500 ऑक्टेट लॉन्ग तो H1 जो है दैट कैन सेंड द डेटाग्राम दैट कैन है मैक्सिमम साइज ऑफ फिफ्टीन हंड्रेड ऑक्टेट अब स्टूडेंट्स ये देखें कि अगर H1 एक डेटाग्राम सेंड करे जिसका साइज 1500 हंड्रेड होगा तो इस केस में Router R jo hai, that will receive the datagram because your net 1 jo hai, that is that will pass through it, it will receive the datagram, the router R will receive it, but it will not be able to send it across the network 2, and the reason for that is the network 2 has an MTU size of 1000 octets. The students, this is going to be a problem because the actual destination is host H2, but in this case, there is a network uh, before that host H2 that contains an MTU size that is lesser than the MTU size of the sending host. The students, um, the, the remedy or the solution to this problem is fragmentation. Students, what do you do in fragmentation? fragmentation is the breaking up of an ip datagrams into multiple datagrams. Our students, slide ip datagram, i, mtu size you that is greater than the mtu size of the network that it is supposed to go through. the k. your router that actually received that ip datagram, that will imply a process of fragmentation. फ्रेगमेंटेशन के प्रोसेस को यूज करते हुए व्हाट यू विल डू इज यू विल अप, यू विल दैट आईपी डेटाग्राम इनटू टू मल्टीपल डेटाग्राम स्टूडेंट्स एक बार फिर स्लाइड की जाने चलेंगे स्टूडेंट्स स्लाइड we'll में देखिएगा किस केस में आपके पास एक ओरिजिनल आई डेटाग्राम जो है वो आपको नजर आ रहा है एंड यू हैव एन आई पी हेडर एंड यू हैव द data area of that datagram Our students uh, in order to actually fragment this datagram for for transmission uh, the router will use the network mtu network mtu ka size just ko use karega or phir datagram header ke size ko use karega in, to actually find out the size of each fragments and then how many fragments to actually break this ip datagram in students so in different fields jo अभी थोड़ी देर पहले आईपी हेडर का स्ट्रक्चर या फॉर्मेट पढ़ते हुए छोड़ दी थी ये डिफरेंट फील्ड्स जो हैं, इनको हम यूज करेंगे फॉर एग्जांपल, फ्लैग फील्ड जो आपके हेडर में थी इस केस में ये फ्लैग फील्ड जो है वो इंडिकेट करेगी कि वेदर द डेटाग्राम इज अ फ्रेगमेंट और इट इज अ कम्प्लीट डेटाग्राम अब फिर एक फ्रेगमेंट ऑफ की फील्ड थी हमारे आई पी में एंड दैट ऑफ फील्ड इन देडर दैट विल स्पेसिफाई वेयर इन द ओरिजिनल डेटाग्राम द फ्रेगमेंट बिलोंग्स टू और इस फ्रेगमेंट ऑफसेट की फील्ड को हम यूज करेंगे जब हमें इन फ्रेगमेंट्स को दोबारा से रीअसेंबल करना होगा तो आप स्टूडेंट्स इस केस में देखें कि आपका जो राउटर है इट यूजेस दिस इन्फॉर्मेशन ऑफ द नेटवर्क एम टीयू प्लस द आई पी डेटाग्राम हेडर साइज एंड देन इट विल क्रिएट द फ्रेगमेंट्स अब स्टूडेंट्स ये हर फ्रेगमेंट जो कि हमारा राउटर क्रिएट करेगा इस हर फ्रेगमेंट के अंदर आपका जो हेडर है दैट विल एग्जैक्टली बी द सेम एज हेडर ऑफ द डेटाग्राम स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल, आपका राउटर जो है ये फ्लैग फील्ड में एक बिट को सेट कर देगा एंड दैट बिट विल टेल द रिसीवर वेदर दिस आईपी डेटाग्राम इज अ फ्रेगमेंट और इट इज अंप्लीट डेटाग्राम उसके बाद स्टूडेंट्स हर फ्रेगमेंट से पहले ओरिजिनल आईपी हेडर जो है उसको जो है वो अपेंड कर दिया जाएगा और उसके बाद कुछ खास एरिया आपके ओरिजिनल डेटा ग्राम के डेटा एरिया में से निकाल के हर फ्रेगमेंट के साथ अटैच कर दिया जाएगा अब स्टूडेंट ये कॉन्सेप्ट जो है वो स्लाइड में आपको नजर आ रहा होगा आप ये देखें कि आईपी हेडर वन और उसके बाद डेटा एरिया का कुछ एरिया इज अपेंडेड इन द फॉर्म ऑफ डेटा वन उसके बाद दोबारा आई हेडर टू एंड देन यू हैव डेटा टू And then, students, you have the IP header three that is also equal to the original header, and then you have data area three. Students, this process mein, finally, your router hai, that will copy the appropriate data from the original datagram into the specific uh, data fields of each of these fragments, and then it will pass it on to the uh, next network that has the MTU size.

फ्रेगमेंटेशन जिसमें हमने क्या किया कि हर आई पी डेटाग्राम को कुछ छोटे आई पी डेटाग्राम में डिवाइड किया एंड यूजिंग दैट वे वी कैन एक्चुअली ट्रवर्स द नेक्स्ट नेटवर्क दैट इज अ स्मॉलर एम टी यू साइज एज कंपेयर टू द प्रीवियस वन अब स्टूडेंट्स फ्रेगमेंटेशन तो हो गई आपका जो आई पी डेटाग्राम था उसने नेटवर्कस को ट्रवर्स भी कर लिया बट स्टूडेंट्स हाउ केन यू एक्चुअली कंबाइन Uh, those fragments back into the form of an original IP datagram. The process of doing so is known as reassembly. Just fragments ko se aap combine in the form of the original IP datagram, so that process is known as reassembly. Our students jo IP protocol hai that specifies that the last or the destination host या फिर डेस्टिनेशन कंप्यूटर जो है आपका दैट इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर रीअसेंबलिंग ऑल दो फ्रेगमेंट दैट यू हैव डन इन द प्रोसेस ऑफ फ्रेगमेंटेशन राउटर फ्रेगमेंटेशन करेगा और जो डेस्टिनेशन होस्ट है जो लास्ट कंप्यूटर है आपका दैट विल डू द रीअसेंबली स्टूडेंट्स एक बार फिर स्लाइट की जाने चलेंगे एंड लेट्स लुक एट दिस प्रोसेस ऑफ रीअसेंबली इन द केस ऑफ फ्रेगमेंटेशन जी स्टूडेंट्स जैसे मैंने आपको बताया Okay, datagram reassembly is basically the process of reconstruction of the original datagram uh, from its fragments, and then ultimate destination always performs the reassembly. Uh, students, this case, ki example, we pass You have three networks hain that contain different MTU sizes. First network, mein your MTU size is 1500 octets. Second network, mein it has 1000 octets. And in the third network, you have an MTU size of गेन फिफ्टीन हंड्रेड ऑक्टेट्स स्टूडेंट्स इस केस में इफ यू आर सेंडिंग एन आई पी डेटाग्राम फ्रॉम एच वन टू एच टू तो आप ये देखिएगा कि नेट वन जो है दैट विल एक्चुअली पास थ्रू एन आई पी डेटाग्राम दैट हेज ए साइज लेसर देन फिफ्टीन हंड्रेड ऑक्टेट्स लेकिन उसके बाद राउटर आर वन जो है उसके साथ जो नेटवर्क टू है दैट हेज एन एम टी यू साइज ऑफ वन थाउजेंड ऑक्टेट विच इज लेसर देन

That will actually reassemble all these fragments back again into the original IP datagram. Students, this uh, requirement that our ultimate destination reassemble. What is the basic purpose of this requirement? This requirement that the ultimate destination will be the one to reassemble fragments. This has two main advantages. Number one, it actually reduces the amount of state information in the routers. That means, your router will not have to spend time in, in actually finding out whether the datagram is a complete IP datagram or it is a fragment. means, you are actually saving the router's CPU time and it does not have to actually find out the fields, the type field in each.

जो कि उस आईपी डेटाग्राम के किए गए हैं दे हैव टू कम टू दैट स्पेसिफिक राउटर अदरवाइज रीअसेंबली जो है वो पॉसिबल नहीं होगी बट स्टूडेंट्स, बिकॉज योर आईपी इट एक्चुअली वांट्स द अल्टीमेट डेस्टिनेशन टू डू द रीअसेंबली इट इज द आईपी प्रोटोकॉल इज एक्चुअली फ्री टू पास सम फ्रेगमेंट फ्रॉम अ डेटाग्राम अलॉन्ग अ डिफरेंट राउट देन अदर फ्रेगमेंट तो आपके मल्टीपल राउट जो है वो पॉसिबल हो गए हैं आपकी डायनेमिक राउटिंग पॉसिबल हो जाती है इफ यू अवॉइड योर राउटर टू एक्चुअली डू द रीअसेंबली फॉर यू अगर आप अल्टीमेट होस्ट को आप रीअसेंबली जो है उसको करने के लिए चूज करेंगे तो इन दैट केस यू डोंट हैव टू वरी अबाउट व्हाट राउट्स योर फ्रेगमेंट्स टेक थ्रू द नेटवर्क स्टूडेंट्स दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द फ्रेगमेंटेशन एंड द रीअसेंबली तो आपने देखा कि किस तरह से अगर हमारा मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट जो है Different ho between two networks. So, we can use the concept of fragmentation to divide our IP datagram into multiple fragments, into multiple parts, and then how to actually reassemble them on the destination computer. Now, students, we will talk about the fragment identification. We told that our IP protocol that does not guarantee the exact delivery.

The source address in the header to actually find out that this fragment belongs to this specific IP datagram. Uh, students, was our case tha of the IP datagram ke jo fragment, tha usko identify identified. When your fragment actually they come out of order. Students, there are a lot of cases when your fragments can actually get lost. Uh, students, in this case, mein, we are going to talk about another topic, and that is going to be fragment loss. students, fragment loss, which that fragment loss is, is a process of either you're going to get all the fragments and recover the IP datagram, or you get nothing. So get all or get nothing. Students, how this actually works. यूर डेस्टिनेशन कंप्यूटर रिसीव द फर्स्ट फ्रेगमेंट जब पहला फ्रेगमेंट किसी खास आइडेंटिफिकेशन नंबर के साथ आपके रिसीविंग कंप्यूटर के पास पहुंचेगा तो दैट तो रिसीविंग कंप्यूटर विल स्टार्ट अ टाइमर अब स्टूडेंट इस टाइमर को स्टार्ट करने का मकसद यह है कि बाकी फ्रेगमेंट जो है दे हैव टू कम टू दैट डेस्टिनेशन कंप्यूटर विद इन अ फिक्सड टाइम लिमिट अगर तो उस फिक्स टाइम लिमिट में वो सारे के सारे फ्रेगमेंट जो है वो आ जाए इट विल एक्चुअली रिकंस्ट्रक्ट द आई पी डेटाग्राम दरिजिनल वन अदरवाइज इट विल डिस्कार्ड ऑल द फ्रेगमेंट स्टूडेंट्स दिस इज द केस दैट कैन एक्चुअली डील विद द आउट ऑफ ऑर्डर डिलीवरी एंड अदर वर्ड्स द डिलेड डिलीवरी यानी अगर कुछ फ्रेगमेंट डिलेड हों तो एक खास टाइम तक उन फ्रेगमेंट्स का वेट किया जाएगा अदरवाइज द होल थिंग विल भी डिस्कार्डेड और स्टूडेंट अगर कुछ फ्रेगमेंट्स हमारे लॉस्ट हो जाए दिस विल ऑल्सो वर्क दैट वे कि उनका एक खास टाइम तक इंतजार किया जाएगा और उसके बाद ऑल द रेस्ट ऑफ द फ्रेगमेंट्स पुराने फ्रेगमेंट जो है उनको भी डिस्कार्ड कर दिया जाएगा स्टूडेंट्स दिस वॉज द फ्रेगमेंटेशन आइडेंटिफिकेशन एंड देन फ्रेगमेंट लॉस हाउ टू डील विद एट अब स्टूडेंट्स इस लेक्चर uh, के लास्ट टॉपिक में विल अबाउट फ्रेगमेंटिंग अ फ्रेगमेंट यानी के एक ऑलरेडी स्प्लिटेड अप फ्रेगमेंट को आप अगर और फ्रेगमेंट्स में डिवाइड करना चाहें स्टूडेंट्स दिस दिस कैन बी द केस आपने एग्जांपल अभी देखी थी कि अगर आपके एक नेटवर्क में मैक्सिमम एमटीयू साइज जो है दैट इज 1500 ऑक्टेट्स नेक्स्ट वन इट इज 1000 ऑक्टेट्स एंड देन इन द नेक्स्ट वन लेट्स से इट इज फाइव ऑक्टेट्स तो आप पहला राउटर जो है वो फ्रेगमेंटेशन करेगा टू मेक योर योर आई डेटाग्राम्स पैस थ्रू

जो आपके पास पार्ट पहुंचा है उसको आप और फ्रेगमेंट भी कर सकते हैं इस केस में और स्टूडेंट्स आपका जो लास्ट या डेस्टिनेशन कंप्यूटर है दैट हैज नो वे ऑफ एक्चुअली वेदर इट इज जस्ट अ फ्रेगमेंट और इट इज द फ्रेगमेंट ऑफ अनदर फ्रेगमेंट दैट विल जस्ट इंटरप्रेट दैम एज अंगल फ्रेगमेंट विदल आइडेंटिफिकेशन नंबर एंड विल ट्राई टू करो रिसीव ऑल ऑफ देम एंड ट्राई टू रीअसेंबल दिजिनल आई पी डेटाग्राम स्टूडेंट्स दिस इज आर टॉपिक ऑफ आई पी इनकैप्सुलेशन आई पी फ्रेगमेंटेशन एंड देन आई पी रीअसेंबली आपने देखा स्टूडेंट्स की किस तरह से हम डेटाग्राम को इनकेप्सुलेट करते हैं फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम आपने देखी कि क्यों हमें फ्रेगमेंटेशन की जरूरत पड़ती है एम टी यू की वजह से मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट एंड देन हाउ टू फ्रेगमेंट दैट आई पी डेटाग्राम एंड देन हाउ टू रीअसमेंबल दैट ऑन द रिसीविंग कंप्यूटर स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम यहीं तक जो है वो डिस्कशन को अपनी रखेंगे लेकिन इससे पहले क्या आपसे मैं इजाजत चाहूँ लेट्स गो बैक टू टू लेक्चर एंड क्विकली समराइज द डिफरेंट टॉपिकॉन थ्रू स्टूडेंट्स आज के लेक्चर को स्टार्ट किया विद टॉकिंग अबाउट द डिफरेंस इन कम्पेटेबिलिटी बिटवीन द आई डेटाग्राम्स एंड द फ्रेम फॉर्मैट आपको मैंने बताया कि हर फिजिकल नेटवर्क जो है दैट स्पेसिफाइज अटन हार्डवेयर फ्रेम फॉर्मैट और उस फ्रेम फॉर्मेट के साथ उसके ऊपर आपको आईपी डेटाग्राम भेजने के लिए यू हैव टू फॉलो सर्टन प्रोसीजर्स हमने स्टूडेंट्स देखा कि इनकेशन इज द सोल्यूशन टू दिस हम हर आईपी डेटाग्राम को इनकेप्सुलेट कर देंगे इन टू द डाटा एरिया ऑफ यूर हार्डवेयर फ्रेम दैट इनकेप्सुलेशन इज डन इंक्लूडिंग द आई पी डेटाग्राम हेडर एज वेल एज द डाटा पोर्शन उसके बाद स्टूडेंट्स वी विल गिव आई यूनिक फ्रेम टाइप फील्ड इन साइड दार्डवेयर फ्रेम जो कि हमारे रिसीवर को यह बताएगी कि दिस फ्रेम कंटेन्स द आई पी डेटाग्राम उसके बाद स्टूडेंट्स आपने ये देखा कि ये इनकेप्सुलेटेड जो आपका आपके पास हार्डवेयर फ्रेम है जिसके अंदर एक आई पी डेटाग्राम मौजूद है ये किस तरह से आपके नेटवर्क को ट्रिवर्स करता है हाउ डज इट गो फ्राम वन होस्ट टू एन अदर टू एन अदर एंड हाउ डू यू एक्चुअली डू द इनकेशन एट ईच स्पेसिफिक हाउ उसके बाद स्टूडेंट्स आपने ये देखा कि दर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ अ मैक्सम ट्रांसमिशन यूनिट दैट इज स्पेसिफाइड बाई ईच हार्डवेयर टेक्नोलॉजी और एस एम टीयू की वजह से हमें अपने आईपी डेटाग्राम का साइज जो है वी हैव टू की टू और स्मॉलर दैन दिस एम टी यू स्टूडेंट्स दिस एक्चुअली क्रिएट्स अ प्रॉब्लम वेन यू हैव बिगर साइज आई पी डेटाग्राम्स एंड टू डील विथ दैम वी डिवाइज द प्रोसेस ऑफ फ्रेगमेंटेशन फ्रेगमेंटेशन में आप हर आई पी डाटाग्राम को छोटे आई पी डाटाग्राम में छोटे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं सो दैट दे कैन पास थ्रू अ नेटवर्क दैट हैज अ स्मॉल एम टी यू साइज एज कम्पेयर टू द प्रीवियस आई पी डाटाग्राम या प्रीवियस एम टीयू उसके बाद स्टूडेंट्स आपने ये भी देखा कि जब आप फ्रेगमेंट्स में इस आई पी डाटाग्राम को डिवाइड कर देते हैं तो हाउ टू रीअसेंबल देम ऑन द रिसीविंग कम्प्यूटर उसके बाद स्टूडेंट्स कुछ फ्रेगमेंट uh, आइडेंटिफिकेशन की बात की और आपने देखा कि किस तरह से हम लोग आइडेंटिफिकेशन uh, और फ्रेगमेंट ऑफसेट की फील्ड को यूज करते हुए ये बता सकते हैं कि ये फ्रेगमेंट जो है वो किस आई पी डाटाग्राम का पार्ट है देन वी टॉक लिटल बेट अबाउट द फ्रेगमेंट लॉस एंड हाउ टू डील विद द डिलेड एंड द लॉस्ड फ्रेगमेंट्स अब स्टूडेंट्स लास्ट में हम लोगों ने यह बात की कि किस तरह से आप एक ऑलरेडी फ्रेगमेंटेड आई पी डाटाग्राम को मजीद फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं एंड देन हाउ टू रीअसेंबल देम इन द रिसविंग कम्प्यूटर स्टूडेंट्स ये तो था हमारा आज का लेक्चर आगे लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए इजाजत दीजिए खुदाफिज